नमस्कार, आप देख रहे हैं सर्वोच्च दर्पण न्यूज। हम आपको दिखाते हैं बनारस के मुनारी बाजार से जन अधिकार पार्टियों भागीदारी संकल्प मोर्चा के समर्थन में बनारस के मुनारी बाजार के ग्राउंड में लाखों की संख्या में पहुंचे लोग। मुख्य अतिथि और माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी जमकर सरकार के खिलाफ गलत नीतियों का विरोध किए। बेरोजगारी, महंगाई एवं अत्याचार को लेकर, नई शिक्षा नीति को लेकर, किसान कृषि बिल, काला कानून को लेकर लोगों को जागरूक किए। आप देख रहे हैं तेज बहादुर कुशवाहा की रिपोर्ट। लॉकडाउन में कुछ बातें मैं बोलता हूँ, लेकिन बार बार मैं ध्यान दिलाता रहता हूँ कि आपको याद रहे। इस लॉकडाउन के समय में उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा उत्पीड़न मौर्य समाज का, कुशवाहा समाज का। दूसरे नंबर पर उत्पीड़न बिंद और निषाद समाज का। तीसरे नंबर पर उत्पीड़न पाल समाज का और जो समाज है उनका उत्पीड़न हुआ। इस पूरे लॉकडाउन में बिना किसी बात को लोगों को मार दिया गया। बिना किसी बात के हमारे बहन बेटियों के साथ रेप हुआ, छेड़छाड़ी हुई, मार के उनको फेंक दिया गया। लेकिन पुलिस ने नहीं सुना। पुलिस ने कार्रवाई नहीं की। कप्तान ने, डीएम ने नहीं सुना, उसके बड़े अधिकारियों ने नहीं सुना। क्यों नहीं सुना? ये बात जो मैं आपसे अक्सर बोलता हूँ, ये मैं रोज बोलता हूँ। आप भी कुछ लोग सुनते सुनते थक गए होंगे, लेकिन मैं बोलते बोलते थका नहीं हूँ। मैं इसलिए बोलता हूँ कि मुझे पता है कि कुछ लोग जरूर उसमें नए आए होंगे। मैं आपसे अक्सर बोल, आज अगर हमारी सुनवाई नहीं होती, जिले का कलेक्टर हमारी नहीं सुनता, जिले का कप्तान हमारी नहीं सुनता, तो उसके दोषी वो नहीं है, उसके दोषी हम हैं। हमने गलती की है, हमने उस जालिम को जिता करके भेजा है जो हमारे ऊपर जुल्म करता है। और जब तक ये गलती हमसे होती रहेगी, तब तक हमारे ऊपर जुल्म जाती होती रहेगी। ये आजादी के 74 साल बाद जब तक हम अपनी गलती को नहीं समझ पाएंगे कि हमारी कौन सी गलती